द बेस्ट प्लेस, सो टॉप बाय बॉश 14,600 से 700 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 14,300, दिस इज हेडेड टू 15,300 to 500. Bosch is unquestionably going to be the biggest gainer, and you cannot have cars without spark plugs. So this is going to be the biggest gainer as zinc prices and lead prices fall. Second buy would be again gold regaining its mojo. Manappuram Finance will come out with stellar number. 60-61 में लीजिए, 59 रुपए का stop, 58.5 का stop loss है. ये 72 से 75 तक जाएगा. चलिए, तो मन्नापुरम फाइनेंस पर आप एक कॉमन कॉल आते हुए देख रहे हैं. गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स बढ़िया तरीके से मूव करते हुए आपको दिख सकते हैं. बसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार, और एक से एक बढ़िया कॉल्स आप हमारे साथ शेयर करते हुए दिखते हैं. सुबह 9:45 मेरी टॉप पिक थी बॉस, 14,650 और टारगेट ऑफ 15,500. देखिए आज आप निकालिए, 9:45 सुबह टॉप कॉल थी बाय बॉस. Unbelievable results will come and it is telling you that the OEM market is rocking. So ये जो मंदी का माहौल है वो भूल जाइए. Look at cement, look at steel, look at construction. दो चीज बताता हूँ. Mid cap banks, आपको खुल के बोला इंडिया बुल 185 वाला रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे. आज 12% बढ़ गया, 10% का सर्किट. आपको बोला RBL 185 पे 210. अब मैं कह रहा हूँ मिड कैप बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट एंड ऑटोज, दे विल बी द रॉकिंग सेक्टर. और मारुति की मैनेजमेंट कहती है जून ऑनवर्ड्स द नेक्स्ट 6 months विल सी 1.5 times सेल्स ऑफ द फर्स्ट 6 months. हाउ कैन यू गो रॉन्ग? बाय द बिग 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 स्टॉक्स विच आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी. तो आज का टॉप पिक है मारुति, अनक्वेश्चनेबली विल कम आउट विद द बेस्ट सेल्स. आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 8.5 बाय दिस दिवाली. So I'm so bullish on autos and Bosch has just reinforced my conviction. So aaj lijiye aapko 6765 se 70 mein keep a stop loss of 6670, but this is headed to 6970 to 7000. The other buy was Bosch, but Bosch is gone now, so I am looking at PFC, one of the best dividend yield and lending lenders in the power sector. 17 पे लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 13.5, दिस इज हेडेड टू 125. अरे वाह, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भसीन सर. सुबह 9:45 का कॉल, 14,750 पे चल रहा था उस समय बॉश, और भसीन सर का पिक था मॉर्निंग वाला, और वहां से अब हम 16,100 के स्तर देख रहे हैं. 1300-1400 रुपए जो स्क्रीन पे तेजी देखने को मिल रही है, अगर भसीन सर का वो ट्रेड ले लिया होता आपने, काम हो गया था वीकेंड तक का. गजब का मूव बॉश के नंबर से पहले वो बेट एकदम सटीक पड़ता हुआ. ठीक है, बताएं. गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु. ठीक है अनिल जी, दो स्टॉक्स में खरीदारी कर दी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है. और बाकी अनिल जी टाइम परमिटिंग और आपकी इजाजत होगी तो एक एफएनओ का स्टॉक भी रिकमेंड करना चाहूंगा. अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, नेके और पूछूछ. पहले शुरुआत कीजिए, किससे करेंगे बताइए आप. अनिल जी दोनों कैश मार्केट के स्टॉक पहले देना चाहूंगा. जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार नेशनल लेवल पर भी मैंने रिकमेंड किया है. कंपनी का नाम है वाटेक वाबान, जो WABAG के नाम से NSE में सिंबल है उसका. अभी भाव चल रहा है 276-77 का. एक बहुत ही दमदार कंपनी है ये, एक ट्रू MNC है भारत से, जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, अराउंड 20 से ज्यादा कंट्रीज में ये काम करती है. ईपीसी और ONM कॉन्ट्रैक्ट जो कि वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसेलिनेशन, वाटर रिक्लेमेशन, इन तरह का कारोबार है. एक जबरदस्त 9,600 करोड़ की ऑर्डर बुक है और 80 स्ट्रांग एक ऑर्डर पाइपलाइन है. सरकार के जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, फिर आपके जल जीवन मिशन है, उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी है. और ये कंपनी आजकल कई छोटे टाउन्स की म्यूनिसिपलिटीज के साथ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे इन्होंने यूपी में आगरा और गाजियाबाद में किया है, जिसमें 150 करोड़ रुपए एवरी ईयर के हिसाब से एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. फिर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और इसमें कुछ क्वार्टर्स पहले बजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अराउंड 8% हिस्सेदारी खरीदी. फिर अभी मैं जब और चेक कर रहा था तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसमें 2.52% स्टेक ले रखा है. तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी, और इस क्वार्टर के नतीजे जब आएंगे मुझे लगता है दमदार नतीजे आएंगे. इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए आपसे खरीदारी करने की सलाह है. टारगेट रहेगा 295 का, स्टॉप लॉस रखना है 265. ओके,
तो 295 का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई वाटेक वाबाग में। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। जो अनिल जी आपका दूसरा स्टॉक है वो है एक राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी केआरबीएल। ये दुनिया की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इनका ब्रांड है इंडिया गेट जो कि बहुत ही पॉपुलर है। कंपनी 120 साल पुरानी कंपनी है, 1889 से इसका पहले नाम खुशीराम बिहारी लाल करके होता था, वो अब शॉर्ट फॉर्म होकर केआरबीएल हो गया है। कंपनी इंटरनेशनली लगभग सभी देशों में प्रेजेंट है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, सब जगह प्रेजेंट है और सब जगह एक्सपोर्ट करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, डेट भी एकदम नेग्लिजिबल अराउंड 0.15 है और वैल्यूएशन के लिहाज से 10 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। अभी ये 238-39 के आसपास ट्रेड करता है मुझे लगता है। और बाकी एक और जो ट्रिगर है, देखिए जब से यूएस में प्रेसिडेंट बदले हैं, जो बाइडेन आए हैं, उनका जो ईरान के प्रति अप्रोच है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो हो सकता है ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील की बातें हैं और उसके कारण फिर उसके सैंक्शन हट जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में 260 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस सकता है 230 का। 230 का स्टॉप लॉस, 260 के टारगेट के लिए खरीदारी करें केआरबीएल में। तो दो बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स वाटेक वाबाग और केआरबीएल, दोनों में खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त। आइए सेठी साहब ने कहा है एक स्पेशल पिक देंगे, वो एफएनओ से होगी। बताएं सेठी साहब वायदा कारोबार का आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए वैसे आज निफ्टी में गिरावट है लेकिन कैश मार्केट में तो कोई भी कमी नहीं है एक्शन की। हाल ही में एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज मैंने मंडे को एसपीएल मिड कैप में दिया था 3900 के लेवल पे, आज गुरुवार हुआ है और वो स्टॉक का भाव अभी 4800 रुपए, 25% तेजी हो गई है। बट आज इस माहौल में भी एक एफएनओ स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है बीटीसीएल, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। मैं फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं 452-53 पे, मुझे लगता है इस स्टॉक को आप बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक तो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग होनी आज, उसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी 26 तारीख की डेट अनाउंस करी है डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए और रिजल्ट के लिए। रिजल्ट हमने आईओसी के देखे, अच्छे नतीजे थे और इस कंपनी से डिविडेंड को लेकर बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज इन्होंने पिछले क्वार्टर में एक तो निमलीगढ़ रिफाइनरी को अपनी स्टेक सेल करके कुछ 9-10 हजार करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिनका पेमेंट भी ऑलमोस्ट आ गया है, शायद असम गवर्नमेंट का आना बाकी है, और बाकी ट्रेजरी के शेयर बेच के भी पूंजी जुटाई है इन्होंने। तो मुझे लगता है बिफोर डाइवेस्टमेंट एक हेफ्टी डिविडेंड इस कंपनी से बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मुझे लगता है इसमें बहुत ही जल्दी 480 के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं, 440 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल बीपीसीएल पर रखे नजर। और ये आप अनिल जी भी आज सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, हमने भी आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई जो विनिवेश को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है और डिविडेंड का तो इंतजार है ही। शुक्रिया सेठी साहब, आज तीन पिक्स, एक एक्स्ट्रा गिफ्ट सेठी साहब की तरफ से, दो कैश स्टॉक्स वाटेक वाबाग और केआरबीएल, और साथ ही बीपीसीएल के फ्यूचर्स खरीदने की।